बच्चों, मैं नमिता विश्वास। आज नया कक्षा है, पांच कक्षा का वह पाठ आरंभ करने वाली हूँ। 1 से 4 तक कक्षा का सभी हिंदी का पढ़ाई मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ, आप लोग देख सकते हो ऑन करके। आज पांच कक्षा का कहानी का एक पाठ, कहानी का शीर्षक राख की रस्सी कहानी अभी पाठन कर रही हूँ। बच्चों, पहले आप लोग मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। मैं अभी राख की रस्सी पाठन कर रही हूँ कहानी को। लोनपी गार तिब्बत के बत्तीसवें राजा सोनक अवसेन गप्पो के मंत्री थे। वो अपनी चालाकी और हजियर जब अभी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बन हुआ था। कारण यह था कि वो बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोपीगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा होता है, मेरे बाद उसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनों पे गार ने अपने बेटे को 100 बेंडे कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मानता ना जचना नहीं, इन्हें वापस लाना है 100 को बोरों में 7, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घूमने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोन पे गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोर जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए की कहाँ थे। वो इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपी ने बेटे अपना हाल सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है, मैं इसका हाल निकाल देती हूँ, इतना कहकर लड़की ने बेटे के अभी दूसरी पेज में क्या बाल उतर कर उन्हें बाजार में दे दिया और रुपये भी से उन्होंने जैसे भी खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनों पे घर बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसके उपजीत पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुला कर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया, अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उसके साथ जो है 100 बार लेकर ही लौटाना। एक बार फिर धीरा से लोपीगार का बेटा शहर में उसी जगह पर बैठा। जाने के उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ कुछ भी ऐसी लड़की आई। उससे उसने अपनी मुश्किल को सुनाया। वो तो बिना जैसे भेड़ों को पिता मुझे घर में नहीं घुसने दे, लड़की सोचकर बोली। एक तरीका, उन्होंने भेड़ों का सिंह काट लिए, उन्होंने बेचकर जो रुपये उसे कर दिया। भेड़ों लोनपी ने घर बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ों ने पुरजो के बारे में पिता का हवाला करते हुए लोनपी घर का बेटा खुश था। उन्होंने मुझे भी सारी कहानी सुनाई। सुनकर लोनपी ने घर बोले, इसे लड़की कहे तो हमें तो हाथ फिर आकर रस्सी बना कर दे। उनके बेटे लड़की के पास जाकर पिता संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक संत रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहनने होगी। लोनपी गार सोचा, ऐसी रस्सी बनाना असंभव, इसलिए लड़की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर से सिलकर रखा। तो तीसरी पेज में क्या, तो अपनी बात और चला दिया, रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार राख बच गई। इससे मिल चल में लोनपी गार पास गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपी ने गार रस्सी देखकर चकित रह गई। वो जानते थे कि राख रस्सी गले पहना था तो उठाना मुश्किल है, हाथ लगाने के वो दूर गए। लड़की ने समझदार सामने उनके अपनी चाला के दर गई। बिना वक्त हवा तो उन्होंने अपने बेटे की शादी के रस्ता लड़की सामने रख दी। गंदा दोनों शादी हो गई। तो बच्चों, 5 कक्षा का एक पाठ कहानी का शीर्षक राख की रस्सी की कहानी पाठन कर लो। अभी आपको कहानी थोड़ी सी मैं सारांश समझा देती हूँ। लोनपी गार तिब्बत बसी बसे राजा सोनगम सेन गप्पो के मंत्री थे। कौन थे? राजा सोनगम गपिस मंत्री थे। उनके चालाक हजार भी दूर दूर तक सबको पहचानते हैं। वो बहुत चालाक थे, जिंदगी चला रहे थे। जब से उनका बेटा बड़ा हुआ है, वो विषय में हुआ था, कारण से उससे बोला था, उससे यार चुकर भी नहीं लोगों ने सोचा था। बेटा बहुत सीधा सीधा था। एक दिन लोगों ने अपने बेटे को भीड़
भेड़ों के देते हुए कहा तुम्हें लेकर शहर जाओ, भेड़ों का दे दिया, बोला तुम इसे लेकर जाओ वरना तुम्हें लाना है वापस, नहीं तो मारना बेचना है उन्हें, वापस नहीं लाना है और वरना तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। लेने ले बेटा शहर पहुंचा, मगर इतने में खरीदने के लिए उससे पास रुके कहाँ थी समस्या सोचे विचारते सड़क बैठा था, मगर कोई उसकी समाधान नहीं करती। बात ये देख लड़की उसके सामने आई, बोल क्या बात है, अपना हाल बताया। उसने बताया, बोले ये कोई बात नहीं, इसका हाल मैं निकाल दूंगी, और लड़की उसके बेटा को बोला। तो दूसरी पेज में क्या है, बाल उतर के उन्हें बाजार बेच दो, लड़की लड़का को बोला। तो बेच दिया, उन्होंने ला बेटे को लगा किस तरह से वो बाल बेट को बना दिया। बाहर आकर उन्होंने अपने बेटे को बोला, कहा पीछे भेड़ों को उतार कर बेचना जुझे, तुम दोबारा नहीं ऐसे करना। एक बार फिर इंडस्ट्रियल को बेटा शहर उसी जगह फिर उसके पापा भेजा, उसे दिन गया उसी चिंतित में, उससे उसने अपनी मुश्किल बताई। अब बिना सोचे बड़े पिता मुझे घर नहीं उठने देंगे, तरीके उसने भेड़ों को सिंह काट दो। उसके बाद सभी भेड़ों को उसको बिक्री कर दी। आने सुनाए लोकल उन पर बोले, उस लड़की को कहते हो मैं हाथ तो उस दूसरी बार उसको आकर पैसा उसको पापा को दिया कर संदेश द्वारा। लड़की ने एक साथ वो अपने पापा उसके बोले भेड़ जो कर मेरे पिता हवाले कर हुए, लोलपन गार बेटा खुश हो गया, विजय भाग गया। तो सुनकर लोलपन गार बोले, उस लड़की ने कहा कि हमें नौ हाथ लंबी रख की रस्सी बना कर दे, बोला। उनके बेटे ने लड़के के पास आकर पिता का संदेश दिया। लड़की ने एक शर्त रखा तो नौ हाथ रखना ठीक है, तो गलों में पेन है गलों भी सस्ती थे, उत्तर माल दिया ठीक है तुम बनाओ, और चल दिया रस्सी चल गई। माँ का रस्सी बोल के तो बोलते ना ऐसे गाय तो लेपन था, देखो चकित हो गया, जानते कि राख करते गले में पहनना तो दूर रखना भी। लड़की के सामने उसकी अपनी चालाकी धरा दी, बिना बात गवाए लपकर बेटे के शादी प्रस्ताव लड़की के आगे रख दी। तो इसमें प्रस्ताव लड़की ने सामने रख दिया, धूमधाम से उसके बेटे को लड़की से शादी हो गई। तो बच्चों कहानी का सारा समझ लो, अभी हम ये राग की रस्सी की कहानी का प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। भोला भाला तिब्बत मंत्री अपने बेटे को बोल बोल चित रहे थे, तुम्हारे विचार में किन किन बातों के लिए बोलो कर उनके बेटे के मूर्ख बनाते थे, कोई लड़की साहेब या कोई उसे बनाते थे। कमे तुम भी, तुम तिब्बत मंत्री की जगह होती तो क्या करती, तो अपने पर्चा बैठ कर दुनियादार का समझदारी उसके सवाल करती। मंत्री ने अपने बेटे सर तरह बनाया क्यों, मंत्री ने अपने बेटों का सर क्यों भेजा, दुनिया के समझो और व्यवहार के तरीके मालूम पड़े। उसने अपने बेटों के भेड़ों से सर क्यों भेजा, अपने बेटों को भेजा शहर भेड़ों को बेचने के लिए। मेरे घर में बड़े लोगों मेल कहा था कि घर का पता करो, उड़ पड़ किए इस बारे में पूछो, किसी दूसरी जगह जाकर बस गया। उसने बातचीत करे वाले कोशिश बन गए, खुश हो गए क्योंकि पुरुष जो एक महीना बच्चे के तो पूछो थी उन्होंने जगह क्यों छोड़ दी। स्वयं करो बच्चे से जो एक तरह का अनाज के किसी तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसकी रिटीन जाती है सेतु बनाई जाती है और चुका बुनकर खाया जाता है अपने घर में और स्कूल बातचीत करके स्कूल जाता है। गेहूँ मक्का बाजरा आदि पान जोर ध्यान जोर गेहूँ और अनाज होते तो और तीनों का शब्द गेंद अलग अलग तो अनाज के नाम इसलिए व्यक्ति होते अनाज या को संज्ञा प्रकार इमजी व्यक्तियों के पत्र होती है। नीचे गए व्यक्तिकरण को संज्ञा बताओ, एक में क्या है वर्गीकरण, एक में लह, दो में सिरबनी, तीन में तंबा, चार में खिचड़ी हो गई। तो अभी जाति वाचक संज्ञा क्या होता है, सोना चांदी कोता जो से सोना चांदी धन कौन होता है, धातु शहर भोजन वेशभूषा। तो ऊपर लिखे जातिवाचक शब्द को तो हम ये बोल दिए, वो जातिवाचक शब्द क्या क्या है, धातु में सोना चांदी, भोजन में चावल दाल, शहर में कोलकाता, वेशभूषा कमीज टाई सलवार। तुम तुम्हारा सवाल है कोई स्कूल लड़की ने सभी लोहा दी वही करना चाहिए, स्वयं कीजिए बच्चे आप लोग ऐसे।
तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए ईमानदारी, कागज और देखो चीट पीट को कांच में उनके चारों गिलोया पटाओ, अब एक एक करके आओ ले। तो सो है तुम्हारी जीवन बोला दो में। मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे सारे पसंद नहीं आया। क्या मंत्री सचमुच बात पसंद नहीं आती? अपने उत्तर में कारण में लिखिए मंत्री की वो बात पसंद आई होगी, लेकिन इससे उसकी बेटे योगदान नहीं था। सिंह और जी, पहली बार में मंत्री ने बेटे ने भेड़ों बाल छोते और दूसरी बार में सिंह और लोगों ने भी जो जो खरीदना उन्होंने भेड़ों बालों को किया। अपनी कल्पना बताओ, गर्म कपड़े कैसे सहला भेड़ों के सिंह, उन्होंने सजावट के चीज़ें बनाई होगी। तो बात को कहीं तो तरीके नीचे कहानी कुछ वाक्य दिया है, बात को तुम कहीं तरह तरह सकते हो। चैन से जिंदगी चलना रति पर तक तो जो जिन कर रहा होशियारी उसे छू कर नहीं भाती, बाली बिल्कुल होशियार नहीं होता। मैं इसका हल निकाल देती हूँ, उपाय आती है उनकी अपनी चाला के धरी जो काम नहीं आती। लल्लूगार बेटा होशियार नहीं तो होशियार की चला क्या सब होता है कि चादर किसी तुम बोला होशियार कहाँ कच गए। इसी प्रकार बोला बुधवार में सोचे और कक्षा चर्चा करे। सतर्कता अर्थ में अच्छे अर्थ मतलब समझदार, चालाक न बनाते अर्थ बुरे तो बुद्धू मूर्ख। लड़की को समझदार कहे बुद्धिमान, बुद्धिमान मन मत की इतना प्रभावित किया है उसने बेटे से उसकी शादी कर दी। कहो क्वेश्चन क्या है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों बुद्धिमान से की बुद्धि है इतना प्रभावित किया है उसने बेटे से उसकी शादी करा दी। तो बच्चों दूसरी पेज में प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। नाम कहानी में लल्लूगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया, बच्चों का नामकरण बताओ। परिचय वसन तो बेटे को लड़की को कोई का नाम दो। अभिना डाबा विकल लखवा क्या कोई खाने पीने चीज नहीं। मानते हैं कि इनसे बच्चे इस दिन सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यहाँ शक्ति बढ़ जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम हवा रखा जाता है, लड़का लड़की दोनों का नाम सकता है। भाषा ढाबा के मलावर होते सोमवार हो जाएगा जैसे रोशनी पहला पूरी वो अंधेरे दूर करेगी। थी बहुत में वो पुरातन में नामकरण करते है खराबर बहुत मिलता है पुत्री तरह तिब्बती नाम है। बेटे का नाम मिगमार, लड़की का नाम डब्बा। तो बच्चों पाँच का क्या पहले का कहानी राख की रश्मि राख की रस्सी। तो बच्चों राख की रस्सी कहानी का पूरी तरह पाठन करके सारांश समझा दी हूँ, उसका प्रश्नोत्तर लिख भी दी हूँ समझा दी हूँ। अगर कुछ समझ नहीं आती है कमेंट में लिख कर दीजिए। और ऐसे ही मेरी फिर पाँच कक्षा का पाठन कि सभी वीडियो में दिखाते रहूँगी, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस राख की रस्सी कहानी का पाठन का वीडियो संपन्न हुई। दूसरी वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। तो बच्चों धन्यवाद।